बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, दूध फट जाए यानी कि ख़राब हो जाए तो क्या करें? तो परेशान होने से बेहतर है कि फटे हुए दूध से बहुत अच्छी और परफेक्ट कोई रेसिपी बनाई जाए। तो बस जो हलवाई दूध फाड़ के बनाते हैं, तो हम भी आज फटे हुए दूध की बिल्कुल परफेक्ट नरम मुलायम कलाकंद बनाएंगे। आप यकीन जानिए, खाकर कोई भी पहचान नहीं पाएगा कि ये फटे हुए दूध से घर पर बनाई गई है। और इस मज़ेदार मिठाई को बनाना भी बहुत आसान है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा काम थोड़ा सा भी पसंद आता है तो मेरी रेसिपी को लाइक कीजिए, अपने दोस्त अहबाब में शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल बटन को क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, ये तकरीबन 2 किलो दूध है जो कि फट चुका है। ये आपको पीला पीला इसलिए नजर आ रहा है कि ये गाय का दूध था जो फट गया है। फ्रेंड्स, अक्सर ऐसा होता है कि गर्मी की वजह से या कभी हम बिजी होते हैं तो हमारी कोताही की वजह से दूध फट जाता है। दूध फट जाने के बाद इस तरह दानेदार सा हो गया है। अब इसे स्ट्रेनर की मदद से छान लेते हैं। फ्रेंड्स, मैंने दूध को लेमन जूस या सिरके की मदद से नहीं फाड़ा, ये खुद ब खुद फटा है, इसलिए इसे पानी से वॉश करने की जरूरत नहीं है। बस इसे स्ट्रेनर में डालकर इस तरीके से इसमें से पानी को निचोड़ लेंगे और इसमें से बहुत ज़्यादा पानी नहीं निचोड़ना, इसको गीला गीला सा रहने देना है। अगर बहुत ज़्यादा टाइट निचोड़ दिया तो क्या होगा, कलाकंद के दाने सख्त से हो जाएंगे और आपस में जुड़ नहीं पाएंगे। फ्रेंड्स, दूध फट जाने के बाद ये जो पानी सेपरेट हुआ है जिसे वे कहा जाता है, इसे फेंकना नहीं है। इसे आप कढ़ी बनाने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और आटा वगैरह गूंदने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसे पैन में शामिल कर देंगे और इस वक्त मैंने फ्लेम को मीडियम रखा हुआ है। इसमें ये तकरीबन 1 कप फुल क्रीम मिल्क शामिल करेंगे। अब इस फटे हुए दूध को और जो इसमें हमने दूध शामिल किया है, अब इस तरह चमचे की मदद से मैश करते हुए मीडियम फ्लेम पर इतना पकाना है कि ये तकरीबन आधा रह जाए। आप देख सकते हैं, फटे हुए दूध और दूध का मिक्सचर पकने के बाद आधा हो गया है। अब इसमें ये तकरीबन 1/2 कप चीनी शामिल करेंगे, 1/4 कप मिल्क पाउडर, 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर। ये तमाम अज़ा शामिल कर लेने के बाद इस तरह मुस्तकिल चमचा चलाते हुए मीडियम फ्लेम पर इतना पकाना है कि ये मिक्सचर बिल्कुल ड्राई हो जाए। हमें इसमें घी वगैरह शामिल करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जो दूध फटा था वो फुल क्रीम मिल्क था, तो इसमें अच्छी खासी चिकनाई की सूरत में घी मौजूद है। आप देख सकते हैं, ये मिक्सचर काफ़ी हद तक ड्राई हो गया है। इसे मैंने तकरीबन 7 से 8 मिनट मीडियम फ्लेम पर पकाया है, लेकिन अभी इसे मज़ीद पकाने की ज़रूरत है। इसी तरह चमचा चलाते हुए मैश करते हुए मज़ीद इसको इतना पकाना है कि ये मिक्सचर दानेदार सा हो जाए। आप देख सकते हैं, कलाकंद का मिक्सचर बिल्कुल दानेदार सा हो गया है और इस मिक्सचर ने घी भी छोड़ दिया है। इसका मतलब है कि ये कलाकंद का बैटर बनकर तैयार है। इसे मैंने तकरीबन 5 से 6 मिनट मजीद मीडियम फ्लेम पर पकाया है। अब इसे एक ट्रे में ट्रांसफर कर लेते हैं। ट्रे को पहले से ग्रीस करने की जरूरत नहीं है क्योंकि कलाकंद के बैटर में अच्छा खासा ऑलरेडी घी मौजूद है। अब इस तरह कलाकंद के बैटर को डिश में सेट कर लेना है। फ्रेंड्स, कलाकंद के बैटर को इस तरह पीछे धकेलते हुए ट्रे में थोड़ा मोटा सेट करना है ताकि कलाकंद की कतलियां थोड़ी मोटी बन सकें। कलाकंद का बैटर डिश में बहुत अच्छे से सेट हो गया है। इस वक्त ये काफ़ी गर्म है, इसे इसी तरह रूम टेम्परेचर पर 1 से 1.5 घंटा ठंडा होने देते हैं। कलाकंद ठंडी होकर डिश में बहुत अच्छे से सेट हो गई है और इस पर मैंने चांदी के वर्क भी अरेंज कर दिए हैं। अब इन्हें इस तरह पीसेस में काट लेते हैं। अभी आप पर डिपेंड करता है कि आपने कितने बड़े या छोटे पीसेस में काटना है। अब इस मज़ेदार और बिल्कुल नरम मुलायम कलाकंद को डिश आउट करके पिस्ते से गार्निश कर लेंगे और मैं आपको तोड़ के भी दिखा देती हूँ कि ये कितनी बेहतरीन कलाकंद बनकर तैयार हुई है। फ्रेंड्स, यकीन जानिए, ये इतनी मज़ेदार और नरम मुलायम कलाकंद बनकर तैयार हुई है कि जो भी खाएगा वो तारीफ किए बगैर नहीं रह पाएगा। तो अगर खुदा ना खास्ता दूध फट जाए तो ये कलाकंद जरूर बनाएं, और अगर आप चाहें तो लेमन जूस या फिर सिरके की मदद से भी दूध फाड़ के ये रेसिपी ट्राई कर सकते हैं। ये मेरे पास तकरीबन 1/2 किलो कलाकंद बनकर तैयार हुई है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्त अहबाब में शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल बटन को क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगली रेसिपी की वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।